बने और इस छवि में पुलिस का सबसे बड़ा रोल रहता है। हर विभाग, पुलिस के हर विभाग की जानकारी मैंने ली है और मैंने कहा है सबसे बड़ी चीज है कि एक प्रेरित फोर्स होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे कांस्टेबल तक। अगर ये इंस्पिरेशन ना होए, प्रेरणा ना होए, उनमें वो जोश ना होए, ऊपर ना होए, तब नीचे तक नहीं पहुंचता। ये आज हमारी प्राथमिकता है। और कि कई ऑफिसर जो हैं 7 साल से एक जगह टिके हुए हैं, कोई 5 साल से एक जगह टिका हुआ है, ये प्रथा मैं समाप्त करना चाहूँ। यही मैं डीजी साहब से कल भी चर्चा करी थी कि ये करा जाए और जिसकी क्षमता है उस आधार पर हम सबको पोस्ट करें। ये नहीं कि मैं इसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये इसे कम पसंद करती हूँ। तो ये करके मैंने एक संदेश दिया है कि ड्रग्स और सट्टा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी, जीरो टॉलरेंस, ये पूरी कार्रवाई करी जाएगी। ये ड्रग्स और सट्टा का जो है ये हमारा पहला कदम है, इसके बाद दूसरे कदम होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस फोर्स में एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा उत्पन्न होगी। समय समय पर मैं इस प्रकार की ब्रीफिंग देता रहूँगा क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियाँ कम्युनल टेंशन की, हमारी प्रदेश की जो विभिन्नता है, हमारी प्रदेश की जो अनेकता है, ये इस पर चर्चा करेंगे। ये पुलिस कमिश्नर की पहले भी बहुत चर्चा हुई है, पहले भी इसमें अध्ययन किया गया है, अब फिर से किया जाएगा। और जो उचित है मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में, अगर 10 साल पहले नहीं उचित था शायद आज उचित किया गया है, अब फिर से किया जाएगा। और जो उचित है मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में, अगर 10 साल पहले नहीं उचित था शायद आज उचित। तो भविष्य को देख के हम इसको तय करेंगे। पुलिस के बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। आज पूरे अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी पुलिस फोर्स